ओ माय गॉड, आज दोबारा हमें एक नया बैच देखने के लिए मिल रहा है। आज भी बहुत सारे टर्टल्स अंडे ले हो चुके हैं सक्सेसफुली, लेकिन थोड़े बहुत यार क्या बताऊं, टर्टल जो है बने हुए हैं और थोड़े डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। खुद टर्टल जो उनकी माँ है उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया अंडों को। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आज का देखना, थोड़ा एक साइड गम है और एक सारा खुशी है कि थर्ड बैच जो है हमें आज देखने के लिए मिल रही है टर्टल्स की, जो हमने हैच किया है और काफी सारे अंडे भी मैंने इसमें से निकाल लिए। क्यों है आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। और थोड़े बहुत सैड देखे यहाँ पर, अनफर्टिलाइज या डिस्ट्रॉय एग्स फ्रॉम इट्स ओन मदर। मैंने एक टॉपिक लेकर, आप देखा होगा कि स्टार्टिंग वीडियो में मैंने अनफर्टिलाइज एग्स दिखाए थे और वहां पर बच्चे दिखाए थे, वो किसने डिस्ट्रॉय किए, वो खुद टर्टल ने डिस्ट्रॉय किए। वो कैसे, तो जैसा कि मैं अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ, टर्टल जो है एक जगह अंडे ले करते हैं तो दूसरी टर्टल आकर वहां पर दोबारा डिक करके अंडे ले करने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही सीन यहाँ पर हुआ, पहले ऑलरेडी एक टर्टल ने अंडे ले किए थे, फिर दूसरी फीमेल आकर थोड़े दिन बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए थे शायद या 40 दिन हो चुके थे, पता नहीं एग्जैक्ट डेट, तो दूसरी फीमेल आकर वहां पर एग हैच अंडे ले करने के लिए उसको डिक किया। डिक करने का कारण क्या है, जहां पर ये अंडे थोड़े बंद रहे थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। मैं जब देखा 5-6 बजे कुछ हो रहे थे, हमने देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, तो फौरन जाकर देखा वहां पर अंडे के छिलके बाहर पड़े थे। जब मैं जाकर देखा तो ये अंडे जो है बाहर पड़े थे, यार बहुत अफसोस होता है। अभी ये हम कह नहीं सकते कि बचेंगे नहीं बचेंगे, बहुत ही सेंसिटिव हैं और बच्चे हैं, बनने वाले थे टर्टल के अंदर। दूसरी फीमेल ने अंडे ले किए थे तो उसको दूसरी, मतलब एक फीमेल ऑलरेडी अंडे लेकर के 15-20 दिन हो चुका था, तो दूसरी फीमेल आई फिर वहां पर लेकर के उसको कुतुर कर डिक करके अंडे देने लगी। अंडे हैच करने की कोशिश करें तो बड़ी जगह दो, ये देखो इतनी, पहले मैंने जब ये बना रहा था मैं फोन, तो बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते कि भाई इतना बड़ा जो है बास्किंग एरिया देने की जरूरत नहीं है, पानी का ये एरिया बहुत छोटा है और वो बड़ा है। लेकिन आज ये बड़ा भी बहुत छोटा पड़ रहा है इनके लिए, अंडे इतने ले करते रहते हैं। देखिए मैंने प्लांट भी निकाल दिया, प्लांट क्यों निकाला वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, दूसरे प्लांट वहां पर डाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है इसलिए। तो मैंने अभी इसको निकाल लिया, जब वहां पर मैं थोड़ा डिक किया, हो सकता है कि इस तरह के, मैंने सोचा कि यहाँ पर और भी बहुत डिस्ट्रॉय हुए होंगे, अभी यहाँ पर जो अंडे हैच होके थोड़े बहुत खराब हो रहे थे, तो मैं डिक करने के बाद मुझे नए से 4 अंडे मिले, नए से 4 बच्चे मिले। तो नए ऐसे देखिए, अभी ये नए बेबीज हैं, ये येलो बेली के नहीं लग रहे, ये देखिए इसका अभी सॉल जो है, योक जिसे बोलते हैं, ये अंडे से जुड़ा रहता है, ये अभी भी है, मतलब ये अभी भी हैच होकर मेरे हिसाब से 4-5 दिन के ही हुए होंगे। देखिए यहाँ पर ये इसका योक बोलते हैं, इसको सैक बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम बोलते हैं। तो इसमें 2 येलो बेली हैं, ये 2 या 3, देखिए इसका सैक, ये भी येलो बेली है, इसका अभी भी देखिए निकला ही नहीं है, मतलब अभी ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये इसका जो अंडे से जुड़ा रहता है ना वो हिस्सा, अभी भी वो पूरा निकला नहीं है। तो 4 बेबी मिले हैं, पहले भी हमने बहुत हैच किए थे, बहुत बच्चे निकाले थे, तो ये एक बैच है। तो अगर ये फीमेल जो है ना, अगर डिस्टर्ब ना करे एक जगह, इनको अगर समझ आ जाए कि जहां पर अंडे ऑलरेडी ले कर चुके वहां पर ले दूसरी बार नहीं देना चाहिए, तो बहुत सारे अंडे बच सकते हैं। तो उसको देखिए यहां पर मैंने रख दिया, और अभी आप इसको ये पूछ सकते हो कि इसके जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि, तो बहुत सारे लोग पूछने लगे थे उसके जो अंडे के छिलके होते हैं वो कहाँ पर, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए उसके अंडे के छिलके यहाँ पर पड़े हैं, बस देखो अभी मैंने कपड़ा चेंज किया, मैं जब आप सीसी कैमरा देख सकते हो, जब मैं ये वीडियो बना रहा था दूसरे कपड़े पहने थे, वहां पर बहुत गंदे हो चुके थे, यहाँ पर पूरा क्लीन किया मैं, जितने भी यहाँ पर प्लांट थे उसको निकाला और चेक किया कि वहां पर और भी टर्टल हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उसमें मुझे 4 बेबी मिले, अभी खुशी भी नहीं मना सकते, अभी गम भी नहीं मना सकते। देखिए मेरे चेहरे पे खुशी नहीं, लास्ट टाइम जब पहली बार हमने अंडे हैच करने के बाद वीडियो बनाया तो काफी खुशी थी मेरे चेहरे पे, लेकिन आज खुशी नहीं है, क्योंकि हम 4 टर्टल तो जिंदे पाए लेकिन मरे हुए टर्टल 5 पाए, तो कहीं ना कहीं एक मिस बैलेंस हो गया और बुरा भी लगता है यार, क्या करें, अभी इसको क्या करूंगा मैं, ब्रीड कर दूंगा कहीं ले जाकर मरे हुए टर्टल को, जो है एक जगह कहीं मिट्टी में दबा के वहां ब्रीड कर दूंगा। बाकी 4 टर्टल बने हुए हैं उसको मैं केयर करूंगा, कोशिश देखते हैं क्या करते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे टर्टल बनते जा रहे हैं, यहाँ पर एक ये वाला एक पोंड है जहाँ पर और भी यहाँ पर अंडे हैं, तो अभी भी इस मिट्टी में तकरीबन 200 से ज्यादा अंडे मेरे हिसाब से अभी रहना चाहिए, 200 से ज्यादा अंडे इसके अंदर अभी भी हैं। हो सकता है ये 50-40 डेज और टाइम लगे हैच होकर बाहर निकल आए। और ये हो गया बड़ा पोंड का टर्टल, अभी हमने जो प्लांट थे वो निकाल दिए किसी कारण में, कारण आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। और दूसरा देखिए यहाँ पर ये वाले टर्टल्स, ये भी काफी बड़े हो रहे हैं,
इनका भी काफ़ी देखिए हमने सेटअप बनाया, काफ़ी जंगल जैसा बन चुका है, ये हवा की वजह से ये पूरा टाउन हो चुका है। लेकिन पानी अभी गंदा क्यों बोलेंगे, पानी हर दो दिन में पानी चेंज करते रहते हैं हम लोग, अभी गंदा ही लगेगा आपको। देखिए टोटल 6 हैं इसके अंदर जो हमने रखे थे, 6 अभी भी हमारे पास हैं, जो पूरे उसमें 5 येलो बिली हैं और बाकी एक क्रॉस ब्रीड है, तो वो हो गए। और यहाँ पर एक पॉन्ड हो गया, पॉन्ड में से हमने प्लांट्स निकाले, आई नो बहुत खराब लग रहा है लेकिन आने वाले दिन में आपको एग्जैक्ट में रीज़न बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो अभी देखिए ये न्यू बॉर्न बेबीज, क्या बताऊं यार, बहुत आज का दिन बहुत बुरा हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, या कुछ नुकसान हुआ, कुछ जाने गई, कुछ जाने पैदा हुई, अभी इसके बारे में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। देखिए न्यूली हैच है, न्यूली एकदम न्यूली, ऐसा लग रहा है कि ये आज ही निकला है अंडे से, क्योंकि उसका जो फीसे का हिस्सा है ना जिसे हम योग कहते हैं वो अभी भी है। तो क्या करें, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जितने भी टर्टल बच गए वो हैप्पीली हम उसको वेलकम कहेंगे, वेलकम टू वर्ल्ड यही कहेंगे, और बाकी जो मरे हैं उसको हम ब्रीड कर देंगे। आज का बस यही अफसोस वीडियो है। चलो अब बेबीज को लेते हैं, हम बेबीज को लेकर इसको, ये इसमें 2 येलो बेली है, देखिए ये प्योर येलो बेली है ये वाली, और ये भी येलो बेली है ये, और बाकी 2 आरियस है, ये आरियस है, ये आरियस मतलब क्रॉस ब्रीड है, ये भी क्रॉस ब्रीड, आरियस और येलो बेली का क्रॉस ब्रीड है, देखिए ये भी येलो बेली हो सकता है फ्यूचर में। तो 4 अभी दोबारा हमारे पास जो नेक्स्ट बैच आई है, हमारे पास 4 नेक्स्ट बैच है, स्पेशल ब्रीड है ये, नॉर्मल ब्रीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है मेल येलो बेली का है, बाकी जो है फीमेल आरियस है, बाकी येलो बेली है, तो ये क्रॉस ब्रीड हो सकते हैं या प्योर येलो बेली हो सकते हैं, दोनों में से हो सकता है, नॉर्मल येलो बेली से, नॉर्मल आरियस सेटल से थोड़ा डिफरेंस है। अभी हम इसको दोबारा एक टब में ही रखेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर हम इसको यूवी लाइट लगाएंगे, नॉर्मल फीड देंगे, तो इसके ऊपर एज यूजुअल हम इसको जिस तरह हम ग्रो करते थे उसी तरह हम ग्रो करेंगे, आने वाले दिनों में इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी हमारे पास 3 टर्टल का बैच हो गया, एक तो जो हमने बड़ी टर्टल्स के लिए रखा है वो पेरेंट्स, और दूसरा नेक्स्ट जो कोई फिशेस की जगह पे हमने रखा था वो, अभी तीसरा ये बैच आई है। तीसरी बात बहुत छोटी है, आई नो 4 ही आए, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हो सकता है ये 10-15 या 20 दिन के अंदर और भी बहुत सारे आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं मुझे पता नहीं लेकिन आ सकते हैं। बस इसको अलविदा कहते हैं, तो जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताना, आई होप आपको भी पसंद आया होगा। इस तरह की बहुत तकलीफ होती है जब ये टर्टल मरते हैं, तो क्या बताऊँ, मुझे भी अफसोस हो रहा है जो टर्टल मरे हुए हैं, हालांकि हमारे यहाँ से नहीं हुआ लेकिन ये टर्टल की वजह से ही हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत दुख होता है देखकर, इस तरह चीज़ें देखकर बहुत दुख होता है। तो जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो में जरूर बताना, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर एक नेटवर्क के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय। और जो येलो बेली है उसके अभी जो बेबीज हैं उसका अपडेट मिलते रहेंगे आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह के टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते, गुड बाय।